हम सभी अभिभावक चाहते हैं कि हमारा बच्चा अटेंटिव हो और हर चीज में पूरी कंसंट्रेशन के साथ वह काम करे। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे का कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आजकल बच्चों में कंसंट्रेशन की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है और हम सभी अभिभावक यह जानना चाहते हैं कि हम बच्चों में एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ टिप्स। जब भी बच्चा घर पर पढ़ाई करे तो उसे घर पर भी स्कूल वाला माहौल बनाकर दें। बच्चों को बेड पर या सोफा पर पढ़ने के बजाय टेबल चेयर पर पढ़ने को कहें और ध्यान रखें कि बच्चे के कमरे में कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। वह कमरा एकदम साफ सुथरा हो और हवादार कमरा हो, कमरे में खिड़की वगैरह हो और उसमें टीवी या मोबाइल जो है ना हो, ताकि बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो। बच्चों को कहें कि हर सुबह पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने दोनों हाथों को रब करें और थोड़ी देर अपनी आँखों पर रखें। इससे बच्चे अपनी पढ़ाई पर बेहतर तरह ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। बच्चों के रूटीन का खास ख्याल रखें। बच्चों को सुबह जल्दी उठाएं, नहलाएं और नाश्ता खिलाएं। उसके बाद ही उन्हें पढ़ने के लिए कहें। जब वे ऐसा करेंगे तो वह बेहतर फोकस कर पाएंगे और उनकी स्लीप पैटर्न का भी खास ख्याल रखें। ध्यान दें कि बच्चा 8 से 9 घंटे दिन में ज़रूर सोए। बच्चे के साथ साथ आप भी मेडिटेशन करने की आदत डालें। ध्यान लगाना सबसे अच्छी आदतों में शुमार है। हर किसी को इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। बच्चों के साथ ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी करें। उनकी आँखों पर पट्टी बांधकर उन्हें अलग अलग चीज़ें टेस्ट करने को कहें या टच करने को कहें या फिर उनकी आवाज़ सुनकर उसे पहचानने को कहें। इससे बच्चों की बाकी सेंसेस भी स्ट्रॉन्ग होंगी और कंसंट्रेशन पावर भी इम्प्रूव होगी। बच्चों के साथ रिडल्स यानी कि पहेलियाँ का गेम खेलें। उन्हें कोई भी बात समझाने के लिए हिंट या फिर क्लूज दें। इससे बच्चे छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखना सीख जाएंगे। बच्चों के साथ मिलकर हर सुबह ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें यानी कि अनुलोम विलोम करें। इससे बच्चों के ब्रेन को यानी कि दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी और वह बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। बच्चों के साथ मेमोरी गेम्स खेलें। घर पर ही बच्चों के आगे 15 या 30 सेकंड के लिए 10 से 12 आइटम रख दें और फिर बच्चे से दूसरे रूम में जाकर सभी आइटम्स के नाम दोबारा एक पेपर पर लिखने को कहें। बच्चों को कोई भी एक्टिविटी ज़्यादा लंबे समय के लिए ना कराएं। उन्हें बीच बीच में ब्रेक लेने के लिए कहें। जैसे कि पढ़ाई अगर उन्होंने 1 घंटा करी है तो उसके बाद उन्हें आधा घंटा ब्रेक लेने को कहें। ऐसे ही अगर वो खेलने गए हैं तो 1 घंटा खेलने के बाद उसके बाद उन्हें ब्रेक लेने के लिए कहें। इससे बच्चे ने जो भी गतिविधि करी है उनका माइंड उसे बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएगा जब वे थोड़े थोड़े अंतराल के बाद ब्रेक्स लेंगे। अब मैं आपको कहना चाहूँगी कि बच्चे पर किसी भी कार्य का या किसी भी विषय का दबाव ना बनाएं। जो भी बच्चों को पसंद है वही उन्हें करने को कहें। हालांकि आप बच्चों को हर गतिविधि के पीछे का महत्व समझाएं कि पढ़ाई का अपना महत्व है, खेल कूद का अपना महत्व है, म्यूज़िक एंड डांस का अपना महत्व है और बच्चों को सभी चीज़ें सीखनी चाहिए और करनी चाहिए। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों को एक बैलेंस डाइट दें। उन्हें हेल्दी खाना खिलाएँ और उन्हें दिन में 2 बार दूध ज़रूर पिलाएं। उन्हें मौसमी फल और सब्जियां तो ज़रूर ही खिलाएं और पानी पीने के लिए समय समय पर उन्हें कहें, उनकी पानी की बोतल भरें और जंक फूड और ऑयली फूड को अवॉइड करें। महीने में 1 से 2 बार ही वह खाएं। तो यह थे कुछ टिप्स जिनसे आप बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन पावर इम्प्रूव कर सकते हैं।
अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का निशान भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।